दोस्तों अगर कल के मैच में रोमन रेंस हार जाता है तो एक काफी तगड़े लेजेंडरी एरा का एंड हो जाएगा और एक बोरिंग एरा की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों हर कोई यही सोच रहा है कि कल के मैच में कोडी रोड्स रोमन रेंस को हरा देगा, लेकिन फिर भी हम तो रोमन रेंस की साइड हैं क्योंकि कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराना डिजर्व तो करता है, लेकिन उसकी लेजेंडरी स्ट्रीक को तोड़ना किसी भी एंगल से डिजर्व नहीं करता। दोस्तों मैं स्टार्टिंग से एक ही बात बोलता आया हूँ कि स्ट्रीक तोड़ने वाला सुपरस्टार स्ट्रीक बनाने वाले से तगड़ा होना चाहिए, ताकि लोग जब उसे देखें तो उन्हें विश्वास हो जाए कि हाँ ये बंदा स्ट्रीक तोड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर आज के मैच में सैमी जैन ने गुंथर की अनडिफिटेड स्ट्रीक को तोड़ा, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा, किसी ने उस टॉपिक पर ज्यादा बात तक नहीं की। लेकिन अगर गुंथर की स्ट्रीक रोमन रेंस या फिर ब्रॉक लेसनर तोड़ते तो हर कोई उस मैच की बात करता। दोस्तों मैं चाहूं तो बाकी चैनल्स की तरह यूएसए के ऑडियंस की बातें सुनकर या फिर उनके हिसाब से न्यूज पढ़कर ये कह सकता हूं कि कोडी रोड्स को जीतना चाहिए, वो डिजर्व करता है, उसने मेहनत की है, फलाना ढिंकाना, और आप लोगों के सामने कूल बन सकता हूं ताकि आप लोगों को लगे कि मुझे तो रेसलिंग की काफी नॉलेज है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मैं जो बात सच होती है वही बोलता हूं, वो भी अपने रियल ओपिनियन के साथ। दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर अंडरटेकर की स्ट्रीक ब्रॉक लेसनर की जगह कोफी किंगस्टन तोड़ता तो आपको कैसा लगता? क्या आप विश्वास करते? बिल्कुल नहीं। और रही बात मेहनत की, तो WWE में हर एक सुपरस्टार्स मेहनत करते हैं और चैंपियनशिप जीतना भी हर एक सुपरस्टार्स का सपना होता है और वो डिजर्व भी करते हैं, लेकिन कल के मैच में बात सिर्फ चैंपियनशिप जीतने की नहीं है। अगर रोमन रेंस की स्ट्रीक छोटी मोटी सी होती तो मैं खुद कोडी रोड्स को सपोर्ट करता। और रही बात यूएसए के ऑडियंस की, तो वो कभी भी पलट जाती है। 2019 में यूएसए के ऑडियंस सेथ रोलिंस को सपोर्ट कर रही थी और फिर बाद में उसी सेथ रोलिंस को बोरिंग बोलने लग गई थी। दोस्तों आज का मैच ही देख लो, जैसे ही द रॉक फाइट करने के लिए कोडी रोड्स के सामने आते हैं तो यूएसए के ऑडियंस ने कोडी रोड्स को छोड़कर रॉकी रॉकी के चैंट लगाने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा दोस्तों आज के मैच से पहले द रॉक ने अपने वर्कआउट की एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें वो लेग की वर्कआउट कर रहे थे और वो ये बोल रहे थे कि वो मैच के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, रोमन रेंस को देखकर भी लग रहा था कि वो वर्कआउट करके आया है, क्योंकि रोमन रेंस की बॉडी काफी ज्यादा तगड़ी और मस्कुलर लग रही थी। तो दोस्तों ये एक तगड़े सुपरस्टार्स की पहचान होती है, जैसे कि रॉक रोमन रेंस के अलावा जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग, केन, अंडरटेकर, बतिस्ता, ये सभी सुपरस्टार्स मैच से पहले वर्कआउट करके अपने आप को तगड़ा बनाने में ध्यान देते थे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये तगड़े दिखेंगे तो मैच भी तगड़ा दिखेगा और ये लोगों का ध्यान अपने मैच की तरफ खींच सकेंगे। और यही रीजन है कि पहले के टाइम में लोग WWE देखना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन आज के मैच में कोडी रोड्स ऐसे ही ढिल्लू की तरह मुंह उठाकर आ जाता है। सेथ रोलिंस फिर भी अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देता है, पैंट को कमर से थोड़ा नीचे पहनता है ताकि वो स्टाइलिश लगे, लेकिन कोडी रोड्स की ना तो बॉडी तगड़ी है और ऊपर से पैंट को बुड्ढो की तरह छाती तक चढ़ा लेता है और ढीला ढाला सा बनकर आ जाता है। दोस्तों आप मानोगे नहीं, मेरे आस पड़ोस में अब कोई भी WWE नहीं देखता, लेकिन आज का मैच सबने देखा था सिर्फ द रॉक की वजह से, और उन्होंने इस मैच को देखकर एक ही बात बोली कि पता नहीं WWE को क्या हो गया, जो तगड़े सुपरस्टार्स हैं उनको कमजोर दिखा रही है और जो कमजोर सुपरस्टार्स हैं उनको तगड़ा दिखा रही है। इसके अलावा दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर आज के मैच में कोडी रोड्स की जगह कोई और सुपरस्टार होता तब भी द रॉक और रोमन रेंस नो डाउट इस मैच को तगड़ा बना देते, लेकिन अगर द रॉक और रोमन रेंस की जगह इस मैच में कोई और नॉर्मल से सुपरस्टार्स होते तो शायद ही कोडी रोड्स इस मैच को इतना तगड़ा बना पाता या फिर इस मैच के लिए इतनी तगड़ी हाइप बना पाता। लेकिन फिर भी दोस्तों मैच तो काफी तगड़ा था और इन चारों ही सुपरस्टार्स ने काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी। द रॉक की फाइट देखकर तो मजा आ गया, कैसे हवा में उड़ा के फेंक रहा था अपने अपोनेंट को, 50 प्लस की एज में भी इतनी तगड़ी फिजिक और इतनी तगड़ी फाइटिंग परफॉर्मेंस जिसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो दोस्तों रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के मेन इवेंट में चाहे कोई भी जीते, वैसे तो कोडी रोड्स के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम तो रोमन रेंस की साइड हैं और हमारे हिसाब से तो रोमन रेंस को ही जीतना चाहिए और आने वाले टाइम में हल्क होगन के 1474 डेज के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहिए और अपनी इस लेजेंडरी स्ट्रीक को और भी तगड़ा बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।